हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हिम्मत सिंह राजपुरोहित। वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल द हिम्मत नर्सिंग एकेडमी, क्वालिटी इन एजुकेशन। आज जो टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट। तो क्या होता है जॉइंट, तो बात करते हैं जॉइंट के डेफिनेशन की। जॉइंट किसको कहते हैं? तो अपन कह रहे हैं कि टू और मोर देन टू बोन्स, मोर देन टू बोन्स आर्टिकुलेट टुगेदर। क्या हो रही है? आर्टिकुलेट अगर टुगेदर हो रही है, इसका मतलब है दो बोन्स या दो से ज्यादा बोन्स आपस में मिल रही है, तो कॉल्ड एज जॉइंट कह रहे हैं अपन इसको। ठीक है, दो या दो से ज्यादा बोन्स क्या हो रही है? आर्टिकुलेट हो रही है, मतलब जुड़ रही है या टुगेदर आ रही है, तो उसको अपन क्या कह रहे हैं? जॉइंट कह रहे हैं। जॉइंट जो है वो अलग अलग क्लासिफिकेशन किया हुआ है। अपन जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे और फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे। तो अपन बात कर रहे हैं सबसे पहले एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन की। तो एनाटॉमिकल जो क्लासिफिकेशन है, जो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है, वो तीन टाइप से डिवाइड किया हुआ है। कितने टाइप से डिवाइड है? तीन टाइप से डिवाइड है। और स्ट्रक्चरल में भी किसके अकॉर्डिंग किया हुआ है? अकॉर्डिंग टू यूनाइट ऑफ बोन एंड्स। बोन के जो हिस्से मिल रहे हैं पीछे से, वो जो आपस में मिल रहे हैं, वो उसके बेसिस पे अपन ने क्लासिफाई किया हुआ है। तो अपन कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू यूनाइट ऑफ बोन एंड्स के बेसिस पे अपन ने स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन किया है जॉइंट का, जो थ्री टाइप्स में डिवाइडेड है। जो पहला जॉइंट है उसको कहते हैं फाइब्रस जॉइंट। कौन सा जॉइंट है? फाइब्रस जॉइंट। दूसरा होता है कार्टिलेजिनस जॉइंट। और थर्ड जो होता है वो होता है साइनोवियल जॉइंट। कौन सा जॉइंट? साइनोवियल जॉइंट। चलिए बात करते हैं फाइब्रस जॉइंट की। तो फाइब्रस जॉइंट में जो अटैचमेंट रहेगा बोन का, दो बोन्स आपस में जब मिलेगी, तो यहाँ पे जो अटैचमेंट का काम करा रहे हैं, अटैचमेंट जो जुड़ने में काम आ रहा है, वो आ रही है फाइब्रस शीट। कौन काम आ रहा है? फाइब्रस शीट काम आ रही है, इसलिए इस जॉइंट का नाम रखा हुआ है फाइब्रस जॉइंट। जबकि कार्टिलेजिनस जो है, इसके अंदर क्या काम आएंगे अटैचमेंट में? अटैचमेंट के अंदर जो है वो कार्टिलेज काम आएंगे, इसलिए इसका नाम है कार्टिलेजिनस जॉइंट। और इसके अंदर कोई कार्टिलेज वगैरह नहीं होता, इसमें लिगामेंट्स होते हैं। ठीक है, इसमें कार्टिलेज भी आएंगे, ठीक है, और साइनोवियल फ्लूइड भी आएगा और कैप्सूल भी आएंगे। तो ये सब साइनोवियल जॉइंट के अंदर आते हैं, पढ़ेंगे अपन जब डिटेल पढ़ेंगे तब। तो फाइब्रस जॉइंट अपन कह रहे हैं कि इसके जो अटैचमेंट है, उस अटैचमेंट में फाइब्रस शीट काम में आती है, इसलिए यहाँ पे जो है वो नो मूवमेंट्स होते हैं, किसी तरह के मूवमेंट नहीं देखने को मिलेंगे इस जॉइंट के अंदर, नो मूवमेंट्स। ठीक है, जबकि कार्टिलेजिनस के अंदर जो है वो क्या होंगे? मूवमेंट्स होंगे। ठीक है, मूवमेंट्स होंगे पर क्या होंगे? कम होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, यहां पे जो साइनोवियल में मूवमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? फ्री मूवमेंट्स होंगे। क्या होंगे? फ्री मूवमेंट्स होंगे। तो अपन कह रहे हैं स्ट्रक्चरल के बेसिस पे अपन ने, अकॉर्डिंग टू यूनाइट ऑफ बोन एंड्स के आधार पे अपन ने तीन पार्ट में डिवाइड किए जॉइंट्स को, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड साइनोवियल जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट में जो अटैचमेंट काम आता है वो फाइब्रस शीट का आता है, इसलिए इसमें किसी तरह के कोई मूवमेंट्स नहीं होते हैं। जबकि कार्टिलेजिनस के अंदर कार्टिलेज आते हैं अटैचमेंट के लिए, जिसमें हाइलिन कार्टिलेज भी आता है और फाइब्रो कार्टिलेज भी आता है, तो इसमें जो है वो मूवमेंट्स होंगे पर कम होंगे। जबकि साइनोवियल जॉइंट के अंदर जो है वो फ्री मूवमेंट्स होते हैं। अब अपन पढ़ते हैं इनके एग्जांपल्स, कि फाइब्रस जॉइंट के कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। तो फाइब्रस जॉइंट में जो सबसे पहला एग्जांपल है वो है स्विचर। अब स्विचर क्या होता है? अपन कह रहे हैं कि स्विचर जो है वो ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। कहां पे प्रेजेंट होता है? स्कल में। कहां पे प्रेजेंट होता है? स्कल में या क्रेनियम के अंदर प्रेजेंट होता है। अपन ने जब बोन पढ़ी तो स्कल और क्रेनियम पढ़ा, क्रेनियम की बोन के अंदर जो है वो क्या प्रेजेंट रहता है? स्विचर्स प्रेजेंट रहते हैं। तो अपन कह रहे थे कि ये फ्रंटल प्लस फ्रंटल बोन अगर मिले तो जो स्विचर बनेगा वो कौन सा बनेगा? फ्रंटल स्विचर बनेगा। कौन सा बनेगा? फ्रंटल स्विचर। पर स्विचर की एक चीज खासियत है, ठीक है,
कि दो बोन जब आपस में मिलती है तो जॉइंट भी बनता है, और दो बोन आपस में मिलती है तो सूचर भी बनता है। तो इसकी कंफ्यूजन दूर रखें आप कि इस जॉइंट के अंदर क्या होता है, एक बोन का प्रॉक्सिमल और एक बोन का डिस्टल मिलता है। जैसे अपन अगर इस एल्बो जॉइंट की बात करें तो ह्यूमरस का डिस्टल पार्ट और रेडियस और अल्ना का कौन सा पार्ट, प्रॉक्सिमल पार्ट जब मिलेगा और फ्री मूवमेंट्स होंगे उसको तो क्या कहेंगे, जॉइंट कहेंगे। जबकि जो फाइब्रस या सूचर होता है उसमें क्या होता है, दो बोन्स पैरेलल मिलती है आपस में और मूवमेंट जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, इसलिए इसको सूचर कहते हैं। और सूचर जब होगा तब क्या होगा, जैसे ये फ्रंटल बोन है और ये फ्रंटल बोन है तो यहाँ पे जो है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनेगी, जिगजैग लाइन बनेगी, तो वो सूचर होता है। तो समझ गए आप, सूचर जो है वो एक फाइब्रस जॉइंट है। नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो कहते हैं गॉम्फोसिस। गॉम्फोसिस, गॉम्फोसिस जो है वो टूथ और सॉकेट का जॉइंट होता है, टूथ एंड सॉकेट। जो आपका टीथ है वो क्या होता है, एम्बेडेड होते हैं और सॉकेट के अंदर, तो वो जो जॉइंट होता है उसको कहते हैं गॉम्फोसिस। और लास्ट जॉइंट जो होता है जिसको कहते हैं सिंडेस्मोसिस, सिंडेस्मोसिस। और सिंडेस्मोसिस जो जॉइंट होता है वो होता है इंट्राऑसियस मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, रेडियस और अल्ना के बीच में होता है ये जॉइंट, रेडियस एंड अल्ना के बीच में। आपको डायग्राम के अंदर क्लियरली दिख रहा है कि रेडियस दो बोन से, रेडियस और अल्ना, और उसके बीच में जो है वो इंटरऑसियस या इंटर मेम्ब्रेनस जो जॉइंट है वो सिंडेस्मोसिस जॉइंट होता है। तो ये तीन एग्जांपल्स हैं इस फाइब्रस जॉइंट के, सूचर, गॉम्फोसिस एंड द सिंडेस्मोसिस। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड जॉइंट की, कार्टिलेजिनस जॉइंट की। तो कार्टिलेजिनस जॉइंट के अटैचमेंट में काम आते हैं कार्टिलेज, जिसमें हाइलिन कार्टिलेज भी होता है, फाइब्रो कार्टिलेज भी होता है, और इस जॉइंट के अंदर जो है मूवमेंट जो है वो होंगे पर कम होंगे मूवमेंट्स। चलिए कार्टिलेजिनस जॉइंट, और कार्टिलेजिनस जॉइंट में अपन ने कहा था कि अटैचमेंट में क्या क्या काम आ रहा है, अटैचमेंट में आपके हाइलिन कार्टिलेज काम में आ रहा है, हाइलिन कार्टिलेज या फिर फाइब्रो कार्टिलेज काम में आ रहा है, और मूवमेंट जो है वो क्या है, लेस मूवमेंट्स। चलिए इसके अगर टाइप्स करें अपन, ठीक है, तो अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं इसको, प्राइमरी कार्टिलेजिनस, प्राइमरी कार्टिलेजिनस एंड द सेकेंडरी कार्टिलेजिनस, सेकेंडरी कार्टिलेजिनस। प्राइमरी कार्टिलेजिनस का एग्जाम्पल क्या है, अपन कह रहे हैं प्राइमरी कार्टिलेजिनस का जो एग्जाम्पल है वो है ग्रोथ प्लेट, ग्रोथ प्लेट बिटवीन एपिफाइसिस एंड डायाफाइसिस का जो जॉइंट है उसको अपन कहते हैं प्राइमरी कार्टिलेज। इस प्राइमरी कार्टिलेज में जो कार्टिलेज काम आ रहा है वो हाइलिन कार्टिलेज काम में आ रहा है। अब अपन ने पढ़ा था कि ये आपकी बोन थी, ये बोन है, इसमें अपन ने कहा था कि ये अपर वाला एंड जो है वो एपिफाइसिस है, लोअर वाला भी एपिफाइसिस है, और बीच वाला क्या है, डायाफाइसिस है, और इसके बीच में जो है वो क्या था, मेटाफाइसिस था, या इसी को अपन क्या कह रहे थे, ग्रोथ प्लेट कह रहे थे। अब क्या होगा कि इस बोन के अंदर ग्रोथ कब तक दिखेगी, जब तक बचपन है तब तक ग्रोथ दिखेगी, जब मैच्योर हो जाएगी ये बोन, जब बच्चा जो है वो बड़ा हो जाएगा तो ये ग्रोथ प्लेट जो है वो डिसअपीयर हो जाएगी। तो ये ग्रोथ प्लेट जो है वो क्या होगी, मर्ज हो जाएगी, किसके अंदर मर्ज हो जाएगी, इस एपिफाइसिस के अंदर और इस डायाफाइसिस के अंदर मर्ज हो जाएगी। तो अपन कह रहे हैं कि जॉइंट जो है वो गायब हो जाएगा, तो इसको कहते हैं प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, ग्रोथ प्लेट जो है वो डिसअपीयर हो जाएगी। तो इस कह रहे हैं कि ग्रोथ प्लेट बिटवीन एपिफाइसिस एंड डायाफाइसिस, इन दोनों के बीच में मर्ज हो जाएगी, तो ये कौन सा जॉइंट होता है, प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। अब अगर बात करें सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट की, तो सेकेंडरी कार्टिलेजिनस के अंदर जो कार्टिलेज काम आता है वो फाइब्रो कार्टिलेज काम में आता है, और इसमें जो एग्जाम्पल है वो है आपके सिम्फाइसिस प्यूबिस। कौन सा एग्जाम्पल है, सिम्फाइसिस प्यूबिस, दो प्यूबिक बोन के बीच का जो है वो सिम्फाइसिस प्यूबिस है, और इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो जॉइंट है, ये दोनों एग्जाम्पल जो है वो किसके हैं, सेकेंडरी कार्टिलेजिनस के एग्जाम्पल्स हैं। तो अपन ने पढ़ा कार्टिलेजिनस जो जॉइंट है उसके दो टाइप्स हैं, प्राइमरी कार्टिलेजिनस एंड सेकेंडरी कार्टिलेजिनस। प्राइमरी कार्टिलेजिनस का एग्जाम्पल है ग्रोथ प्लेट बिटवीन द एपिफाइसिस एंड द डायाफाइसिस,
एंड सेकेंडरी के एग्जाम्पल्स है सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड द इंटरवर्टिब्रल डिस्क। चलिए साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट का फर्स्ट एग्जाम्पल है बॉल एंड सॉकेट टाइप। बॉल एंड सॉकेट टाइप का जो जॉइंट होंगे वो कौन कौन से होंगे, तो बॉल एंड सॉकेट टाइप के जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें अपन कह रहे हैं कि एक एंड में बॉल होगी और एक बॉल एंड के अंदर सॉकेट होगा। इसका मतलब है कि सॉकेट जो है वो कप नुमा होगा और बॉल जो है वो क्या होगी, प्रोट्रूडिंग जो चीज होगी, कॉन्वेक्स पार्ट होगा। ये कह रहे हैं कॉनकेव है और एक कॉन्वेक्स है, एक उभरा हुआ पार्ट होगा और एक गड्ढा वाला होगा, तो उसके अंदर जॉइंट जो है वो फिट हो जाएगा। तो क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं इसके, तो नी जॉइंट, सॉरी शोल्डर जॉइंट, शोल्डर जॉइंट एंड द हिप जॉइंट। ये दोनों ही जॉइंट जो है वो क्या है, आपके बॉल एंड सॉकेट टाइप के जॉइंट है। शोल्डर के अंदर जो है वो जो कैविटी काम आती है वो होती है ग्लीनॉइड कैविटी। ग्लीनॉइड कैविटी कौन सी कैविटी होती है, ग्लीनॉइड कैविटी ऑफ स्कैपुला। और दूसरा जो हेड होगा वो हेड ऑफ ह्यूमरस होता है। क्या होता है, हेड ऑफ ह्यूमरस होता है। तो कौन सा जॉइंट बनेगा, शोल्डर जॉइंट बनेगा। और हिप जॉइंट में जो है जो कैविटी होती है उसका नाम है एसिटाबुलम, और जो हेड होता है वो किसका होता है, फीमर का हेड होता है। ये जॉइंट जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, आपका हिप जॉइंट बनेगा। तो ये था बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट। पिक्चर के अंदर आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि एक तरफ सॉकेट है और एक तरफ बॉल है, ठीक है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द सेकेंड जॉइंट जिसका नाम है हिंज जॉइंट। क्या नाम है, हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट जो है इसका मतलब है कि एक तरफ ही काम करता है, दूसरी तरफ काम नहीं करेगा, ठीक है। यूनि एक्सियल है ये, कैसा जॉइंट है ये, यूनि एक्सियल जॉइंट है ये, एक ही डायरेक्शन में काम करेगा। तो ऐसे कौन से एग्जाम्पल से जो यूनि एक्सियल होते हैं, तो अपन कह रहे हैं एल्बो जॉइंट यूनि एक्सियल जॉइंट है, और नी जॉइंट आपका यूनि एक्सियल जॉइंट है। तो ये दोनों जॉइंट जो है वो एल्बो और नी जॉइंट जो है वो हिंज टाइप का जॉइंट है, और इसमें जो मूवमेंट्स होंगे वो आपको डायग्राम के अंदर क्लियरली विजुअलाइज हो रहा है कि ये कैसे बोन जो है वो अटैच हो रही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जॉइंट की, पाइवट जॉइंट। और पाइवट जॉइंट जो है इसमें देखिएगा ओनली रोटेशन मूवमेंट्स होते हैं। कैसे मूवमेंट्स होते हैं, ओनली द रोटेशन मूवमेंट्स विल बी प्रेजेंट। और एग्जांपल्स क्या है, रेडियो अल्नार जॉइंट और एटलांटो एक्सियल जॉइंट। पहले पढ़ा था C1 एंड C2, एटलस और एक्सिस के बीच का जॉइंट, और रेडियस और अल्नार के बीच का जो जॉइंट होगा वो पाइवट जॉइंट होता है। और इस पिक्चर के अंदर आपको क्लियरली विजुअलाइज हो रहा है कि ये जॉइंट जो है वो पाइवट जॉइंट है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं फोर्थ जॉइंट जिसका नाम है कॉन्डिलॉइड जॉइंट या फिर इलिप्सॉइड जॉइंट। और ये बाईएक्सियल जॉइंट्स होते हैं। कैसे एक्सियल जॉइंट्स होते हैं, बाईएक्सियल जॉइंट्स होते हैं। और इसमें ध्यान रखिएगा कॉन्वेक्स, एक सरफेस कॉन्वेक्स है और दूसरी क्या है, कॉनकेव है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है रिस्ट जॉइंट। बहुत एग्जाम के अंदर पूछा जाता है ये क्वेश्चन, कॉन्डिलॉइड जॉइंट का एग्जाम्पल बताइए, रिस्ट जॉइंट इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्डिलॉइड जॉइंट। और इसके अंदर ध्यान रखिएगा कि ये बाईएक्सियल है तो इसके अंदर चार मूवमेंट्स हो सकते हैं, फ्लेक्शन हो सकता है, एक्सटेंशन हो सकता है, एबडक्शन एंड एडक्शन, ठीक है। ये चार मूवमेंट्स इसके अंदर पॉसिबल है कॉन्डिलॉइड जॉइंट में। और आपको पिक्चर के अंदर जो है वो क्लियर विजुलाइज हो रहा है कि ये कॉन्डिलॉइड जॉइंट दिख रहा है आपको, रिस्ट जॉइंट का। तो फ्लेक्शन जो है वो बॉडी के पास आना, एक्सटेंशन दूर जाना, एबडक्शन ठीक है दूर जाना, और एडेक्शन मतलब ऐड करना, नजदीक आना, मीडियल की तरफ आना एडेक्शन है, जबकि दूर जाना बॉडी से एबडक्शन कहलाता है। चलिए तो बात करते हैं नेक जॉइंट्स की, ठीक है। तो नेक जॉइंट है सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट जो है मूवमेंट इन द ऑल प्लेन्स, ये सभी तरफ घूम सकता है, ऑल प्लेन्स की तरफ मूवमेंट्स है इसके। और नेक्स्ट इसके जो एग्जाम्पल है वो कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट है। ये कार्पल और ये मेटाकार्पल के बीच का जो जॉइंट होगा उसको कह रहे हैं कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ थंब। ये सिर्फ इस जॉइंट की बात कर रहा है, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट की। और नेक्स्ट बात कर रहा है स्टर्नो क्लैविकुलर जॉइंट। स्टर्नम और क्लैविकल के बीच का जो जॉइंट है उसको कह रहे हैं ये कैसे टाइप का जॉइंट होगा, सैडल जॉइंट होगा। शर्ट से याद रख सकते हो, शर्ट की कॉलर यहाँ आती है, इसलिए सैडल जॉइंट स्टर्नम और क्लैविकुलर के बीच का रहेगा। शर्ट पहनने के लिए थंब यूज होता है, इसलिए आप याद सकते हो कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट याद रख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्लेन जॉइंट। आर्टिकुलर सरफेस जो होती है वो फ्लैट होती है। इसका मतलब है कि न तो सरफेस कॉनकेव है न ही कॉन्वेक्स है, दोनों ही लगभग जो है वो सिमिलर ही है। तो अपन कह रहे हैं कि रेस्ट्रिक्टेड टू स्लाइट ग्लाइडिंग,
ठीक है, ज्यादा ग्लाइडिंग नहीं कर सकता है। और एग्जांपल्स क्या होगा, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, ठीक है, ये इसका एग्जांपल्स है। साइनोवियल जॉइंट, और साइनोवियल जॉइंट में अपन पढ़ेंगे स्ट्रक्चर पहले कि साइनोवियल जॉइंट कैसा दिखता है। तो अपन कह रहे हैं साइनोवियल जॉइंट जो है, इसमें आप देखेंगे बोन ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ये जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है ये साइनोवियल जॉइंट का डायग्राम है। इसमें कह रहे हैं ये बोन है और ये बोन है, ये दो बोन के एंड्स जब मिलेंगे तो अपन कह रहे हैं ये जो ब्लू कलर में दिखाया हुआ है, इस सरफेस का नाम है आर्टिकुलर सरफेस, और ये जो सरफेस है वो हाइलिन कार्टिलेज की बनी हुई है। और इसे साइड में जो आपको रेड कलर में दिख रहा है इसको कहते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन, और साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है वो प्रोटेक्शन करती है, क्या करती है, प्रोटेक्शन ऑफ साइनोवियल फ्लूइड, प्रोटेक्शन करती है साइनोवियल फ्लूइड का और एब्जॉर्प्शन भी करती है। और ये साइनोवियल फ्लूइड का काम क्या है, ये जो साइनोवियल फ्लूइड है ये फ्रिक्शन को कम करता है, किसको कम करता है, रिड्यूस द फ्रिक्शन को कम करता है। दूसरा ये जो है वो जॉइंट को क्या देता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, ये साइनोवियल फ्लूइड का काम होता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो कैप्सूल है ये जॉइंट को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो इसमें सारे प्रोटेक्ट करने के अंदर जो है वो लिगामेंट्स टेंडन्स ये सब सपोर्टेड रहते हैं ये जॉइंट के ऊपर जो है, जैसे अगर नी जॉइंट की बात करें तो इसके ऊपर पटेला जो है वो सिचुएटेड होता है और ये सभी टेंडन और लिगामेंट से कवर्ड होते हैं। तो ये साइनोवियल की कैटेगरी है। अब साइनोवियल फ्लूइड जो है वो अपन बात करेंगे, साइनोवियल फ्लूइड कैसा दिखता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन का क्या काम है, चलिए बात करते हैं कुछ टर्म्स की, ठीक है। तो साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड कैसा दिखता है, साइनोवियल फ्लूइड क्लियर पेल येलो विस्कस, ध्यान रखिए विस्कस और नेचर कैसी होती है, अल्कलाइन नेचर का फ्लूइड है और इट हैविंग हाइलुरोनिक एसिड एंड ग्लूकोसामाइन ग्लाइकेन्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं इस फ्लूइड के अंदर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये फ्लूइड कम हो जाता है तो जॉइंट के अंदर क्रिपिटस साउंड आने लग जाता है। तो अपन कहते हैं कि अगर किसी के अर्थराइटिस की प्रॉब्लम जो है, ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है और उसके अंदर क्रिपिटस आ रहे हैं तो स्टार्टिंग फेज में भी अपन ग्लूकोसामाइन अगर दें तो वो फ्लूइड जो है वो और बन जाएगा और ये प्रॉब्लम जो है वो शॉर्ट आउट हो सकती है। नेक्स्ट क्या है, साइनोवियल मेम्ब्रेन जो रेड कलर में इंडिकेट की हुई थी डायग्राम के अंदर, तो वो था पिंक स्मूथ एंड साइनी होता है ये मेम्ब्रेन, और ये लाइन करती फाइब्रस कैप्सूल इस साइनोवियल मेम्ब्रेन को जो है वो बाइंड किए हुए, जो डायग्राम में आपको दिख रहा है बाहर की तरफ आउटर लाइनिंग जो है वो कैप्सूल है। फंक्शन क्या है मैंने पहले ही बता दिया, सीक्रेट द साइनोवियल फ्लूइड का काम करता है, और आर्टिकुलर डिस्क या मेनिस्कस ये इसका काम होता है इंक्रीज द रेंज ऑफ मोशन। और नेक्स्ट होता है लिगामेंट्स, तो लिगामेंट का काम क्या है, मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ द जॉइंट, ये जॉइंट की स्टेबिलिटी को मेंटेन करेंगे। ये था टॉपिक जॉइंट्स, थैंक यू।